आज यदि प्रधानमंत्री अन्न योजना में गरीब लोगों को निःशुल्क अनाज मिल रहा है, एक आदमी को 5 किलो, तो वो कोरोना के बाद से लगातार मिल रहा है। तो जितनी योजनाएं थी वो सब छीन लिया ना, गैस सिलेंडर की योजनाएं थी छीन लिया ना। लेकिन अभी सर कैसे इस चीज़ों को देख रहे हैं, बिजली बिल माफ़ी हो गया, 200 यूनिट बिजली फ्री हो गया। उसको सीरियसली लेते ही नहीं ना। 1000 रुपये खाते में महिलाओं को आने लगा, कैसे महिलाओं को मनाइएगा। हम तो 5000 रुपया देते थे किसानों को ना, 25000 रुपया तक देते थे, छीन लिया ना। लगातार सर क्षेत्र में घूम रहे हैं और जो महागठबंधन है बहुत सारी योजनाएं लेकर के अब आई है, आप लोग गोगो दीदी योजना लेकर के अब आए हैं, लेकिन ये 1000 रुपये खाते में महिलाओं को आने लगा, कैसे महिलाओं को मनाइएगा। हम तो 5000 रुपया देते थे किसानों को ना, 25000 रुपया तक देते थे, छीन लिया ना। ये तो सबों के साथ उदाहरण है। वो देता था गरीबों के लिए, जो कहता था कि शहरी गरीबों को जो है हम देंगे, पैसा देंगे मनरेगा की तरह, छीन लिया ना। उसके ऊपर क्या भरोसा, उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर रहा है। उसको तो पैसा कमाना है। 1 रुपया में महिलाओं की रजिस्ट्री होती थी, खत्म हो गई ना। उसने तो जितनी योजनाएं थी वो सब छीन लिया ना, गैस सिलेंडर की योजनाएं थी छीन लिया ना। लेकिन अभी सर कैसे इस चीज़ों को देख रहे हैं, बिजली बिल माफ़ी हो गया, 200 यूनिट बिजली फ्री हो गया। उसको सीरियसली लेते ही नहीं ना। ये सब सबको पता है कि 2 महीने का लॉलीपॉप है। ये काम यदि कोई कर सकता है तो परमानेंट भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है, चाहे वो रघुवर दास जी की सरकार में हमने किया हो, चाहे हम शिवराज सिंह चौहान जी और मोहन यादव जी की सरकार में कर रहे हैं, चाहे विष्णुदेव साय जी के सरकार में कर रहे हैं, चाहे मोहन चरण मांझी जी के सरकार में कर रहे हैं या गुजरात में कर रहे हैं, चाहे एकनाथ खड़से जी और देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार में कर रहे हैं। हमारा इतिहास है कि जिस योजना को हम चालू करते हैं उसको पूरा करते हुए ज़िंदगी भर जो है उसको बिताते हैं। आज यदि प्रधानमंत्री अन्न योजना में गरीब लोगों को निःशुल्क अनाज मिल रहा है, एक आदमी को 5 किलो, तो वो कोरोना के बाद से लगातार मिल रहा है, पिछले 5 साल से मिल रहा है, और अब भी जो कैबिनेट है उसने 2028 तक जो है पास करके रखा है। इसलिए हमको सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। यदि प्रधानमंत्री आवास, हमने कहा कि प्रधानमंत्री आवास बनेगा, तो जैसे ही पहला कैबिनेट हुआ उसमें 3 करोड़ जो है गरीबों के आवास के लिए हमने तुरंत योजनाएँ पास कर दी। हमने यदि कहा कि 70 वर्ष से ऊपर के उम्र के लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड मिलेगा, उसका कोई पैसे से कोई लेना देना नहीं है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे टाटा हो बिरला हो अंबानी हो, यदि वो लेना चाहते हैं, वो चालू हो रहा है योजना, हमने सब पास कर दिया। इसीलिए जो मोदी जी बोलते हैं वही सत्य है, ये मोदी गारंटी है और सबको मोदी गारंटी पर भरोसा है। युवाओं के लिए सर क्या कुछ कहिएगा, जितनी बार सरकार बनी है 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, सरकार पूरी चल नहीं पाई है, इस बार क्या लगता है? 5 साल इन्होंने चलाया ना, 5 साल चलाया, आज ही हिसाब हुआ कि 4700 दिन जो है हमारी सरकार चली और इनका जो है 4800 दिन सरकार चला, तो इन्होंने ज्यादा सरकार चलाया। युवाओं के लिए क्या करेगी सर आपकी सरकार, युवाओं को रोजगार, खासकर युवा रोजगार के लिए? ये तो घोषणा पत्र में थे ना माननीय विधायक जी, आप इनसे पूछिए। सरकारी नौकरी रखी है और जो आप जिस मैया सम्मान योजना की बात करें वो कल से उसका किस्त भी बंद है, और जो बिजली बिल माफी कर रहे हैं कल से उनका बिल भी चालू हो गया। तो ये सरकार इतनी झूठी है कि सरकार ने जितनी अपनी घोषणाएं की थी वो कोई भी घोषणा को आज धरातल पर नहीं उतार पा रही है। तो ये थे हमारे साथ में गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे, जो बता रहे थे कि इस बार चुनाव का क्या माहौल है, चुनाव में क्या होने वाला है, गोड्डा में क्या कुछ होगा और झारखंड में किसकी सरकार बनने वाली है। तमाम खबरों के लिए ऐसे बने रहें और देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़।